हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के राजकीय अम्बालाल माध्यमिक विद्यालय में पढ़े कर चुकी एसटी एससी ओबीसी की छात्राओं को विद्यालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी गई है, जिस कारण इन छात्राओं को आगे पढ़े करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे 2-3 साल छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। छात्र न मिलने के कारण मुझे बहुत सारी परेशानी है। ना तो मेरी कॉलेज फीस जमा हुई है और मुझे एक भी अभी हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं तो मुझे एग्जाम फीस भी जमा करानी है, तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं करा नहीं सकती। और बुक खरीदनी, मुझे पढ़ाई भी आगे करनी है और मैं बुक खरीदना चाहती पर मेरे पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के लिए। और मैं अभी तक कॉलेज बैग भी नहीं है मेरे पास, मैं थैली में रखकर अपना सारा सामान ले जाती हूँ और रोज आना जाना पड़ता है, इसका पैसा मैं कहाँ से लाऊँ। और घर की इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जिससे कि मैं रोज रेगुलर जा पाऊँ कॉलेज। कौन से स्कूल से छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली आपको? गर्ल्स स्कूल से, राजकीय बालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय डेलवाड़ा अम्बाला सिरोही है जो स्कूल है ना गर्ल्स, उस स्कूल से। अच्छा, जब आप स्कूल में पता किया तो स्कूल वालों ने क्या कहा आपको? वो बोलते हैं कि छात्रवृत्ति आ जाएगी अक्टूबर महीने में, सितंबर महीने में, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी फार्म गए हैं, ऐसा बोलते हैं वो। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने से मेरी एग्जाम फीस जमा नहीं हो रही है और अगर एग्जाम फीस जमा नहीं होगी तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, मेरा पूरा साल ऐसे ही बेकार चला जाएगा। और अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो मैं छात्रवृत्ति एग्जाम फीस जमा हो जाएगी जिससे मैं आगे पढ़ पाऊंगी और पढ़कर मैं आगे थोड़ा अगर मैं पढ़ पाऊंगी तो कहीं मुझे जॉब वॉब मिल जाए तो मैं जॉब कर पाऊंगी जिससे कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी। स्कूल में क्या बोलते हैं छात्रवृत्ति को लेकर? स्कूल में बोलते हैं कि छात्रवृत्ति आ जाएगी सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में आ जाएगी या फिर अगले साल आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं। और छात्रवृत्ति फॉर्म भरवाते हैं, इतना खर्चा होता है, उतना खर्चा होता है, इतना पैसा लाओ, वो लाओ, मूल निवास लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ, आय प्रमाण पत्र लाओ, ये नया लाओ, वो पुराना हो गए, ऐसा बोलते हैं। उसमें भी हमारा खर्चा हो जाता है 200-300 रुपये का, फिर वो पैसा भी तो हम कहाँ से लाए, हम तो इस वो खर्चा भी इसलिए करते हैं ताकि छात्रवृत्ति आएगी तो वो छात्रवृत्ति हमारे काम आएगी। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से आपके परिवार में जब आपने बात की, परिवार वाले क्या बोल रहे हैं आपके? परिवार वाले बोलते हैं कि अब छात्रवृत्ति फॉर्म भरना ही नहीं है, जब पैसा नहीं आता एक तो हम छात्रवृत्ति फॉर्म भरते हैं, सब चीज़ों की फोटोकॉपी कराते हैं तो हमारे भी 200-300 रुपये खर्च हो जाते हैं, वो पैसा भी हम कहाँ से लाए, हम तो इस ये सोचकर फॉर्म भरवाते हैं ताकि हमें इससे डबल पैसा मिलेगा छात्रवृत्ति का ताकि हम आगे पढ़ाई कर पाए, पर वो पैसा हमें मिलता भी नहीं है और उल्टे हमारे पैसा खर्च हो जाता है 200-300 रुपये। मैं हमारे राजसमंद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, जिनके नंबर 0-2952-630-622 है, जिन लड़कियों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई है कृपा कर उनकी छात्रवृत्ति जल्दी जल्दी देना कष्ट करें ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मैं शंभुराज तंवर देलवड़ा से, इंडिया अनट के लिए।